तो टिकटॉक को बजाय के अपने जो हाथों से स्क्रॉल करने के, अपना टाइम वेस्ट करने के, अगर आप लोग उसी टाइम में अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और उसी टाइम में बैठ के कुछ कमा लें, तो क्या ये बेस्ट नहीं है कि हम अपने, ये है मैंने ना ये हॉट पॉट में से ये निकाला, ये रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे, ठाक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। तो हमारी दुआ है कि आप लोग इस तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, आबाद रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना सर्दी आज फिर इंतहा की है, कसम से हाथ जो है ना वो मेरे सुन्न हुए पड़े हैं, इतनी सर्दी है। ये तो सबको ही पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब लोग पाकिस्तान में जो रहते हैं उनको तो ज़्यादा पता है कि सर्दी कितनी है। और जो खासतौर पर जो बाहर निकलते हैं, हम लोग तो घर में ही रह के कहते हैं सर्दी सर्दी सर्दी, और जो बाहर जाते हैं उनको तो ज़्यादा पता है कितनी सर्दी है। तो मैंने ना यहाँ पर बिखेरा हुआ है सामान, दिखाती हूँ आपको क्या क्या मैंने बिखेरा हुआ है। ये देखें जी, ये है मैंने ना ये हॉट पॉट में से ये निकाला, ये तो ये ना इसके अंदर से मैंने निकाला है, क्योंकि इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है तो फिर ना ये आवाज़ सी आती है। तो मैंने ना इसमें फुल गर्म पानी डाल के ना, तो थोड़ी देर के लिए इसको पड़ा रहने दिया, तो ये जो है ना फिर निकलने लग गया इस तरह से। देखें इसके ना यहाँ पे ये निशान बन गए, ये पानी रह के ना अंदर ये इसके सारे निशान बन गए। तो ये तो अब साफ़ नहीं होने, लेकिन अंदर से ये अभी इसको मैं धोती हूँ ज़रा साफ़ हो जाएगा, ये गंदा सा हुआ है अंदर। अंदर तो नहीं ना, इसके अंदर तो ना कुछ भी मार सकता बंदा, क्योंकि ये तो बाहर दफ़ा नहीं निकाला, कभी कभी बंदा निकालता है। तो अभी जो है ये देखें, तो अब हम साफ़ कर लेंगे और इसके अंदर वापस इसको फिर लगा देंगे। अभी मैंने जो उठाया हुआ है ना अपना काका, इस वजह से ना मेरे से काम नहीं हो रहा, और ऊपर से पानी भी है ना वो इतना ठंडा है ना, इतना ज़्यादा। आज बनाने लगे हैं ये हम नहीं बल्कि मैं, ये है मूंगी मसर की दाल और साथ में चने की दाल, और साथ में मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ मूंगी की दाल। तीन दालें मिक्स करके आज हम दालें लगाएंगे। सीधी जी गल है, मैनू तो दाल पसंद ही नहीं है, मैनू तो दाल तो इन्नी आवाज़ आ रही आती है ना, जिदा कहते हैं कि सर्दी के भांडे धूम तो आवाज़ आ रही आती है, इदा सानू दाल तो आवाज़ आ रही आती है। मेरा दिल ही नहीं करता ये दाल खाने को। हाँ, अगर इसमें चिकन डल जाए फिर मैं ज़रूर खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे दालों का टेस्ट वैसे जो है ना पसंद ही नहीं है। तो थोड़ी सी दाल बनाएंगे हम आज, इसको मैं भिगो दूँगी, अभी गैस जो है वो नहीं आई। देखो सूं सूं की भी नहीं आवाज़ आ रही ना, इदा ही होंगे सूं सूं की भी नहीं आवाज़ आती जिन देर तक 12 नहीं बजने, स्टिक तो कोई नहीं आनी, गैस नहीं आनी। तो मैं अभी दाल भिगो लूँ पहले, ये मेरे गोदी में चढ़ा हुआ ये काका, ये उसको छोड़ के आती हूँ खाने लग जाता है। फाइनली गैस आ गई है, अब हम करते हैं अपना काम स्टार्ट। पहले मैं बच्चों को देती हूँ फीडर, फिर बाद में अपने जाना वहाँ लिया रखूँगी। मैंने भी बोली है जी, और देखें गैस की आवाज़ भी आने लग गई है। ये मैंने चूल्हा चलाया था तो चला कोई नहीं, और ये दाल पकड़ के ना बहुत हैप्पी हो रही है, दांत निकाल के दिखा रही पता नहीं कैसा खजाना हाथ लग गया है, ऐसी हजड़ी है बड़ा खजाना तेरा, ये भी खा लो पढ़ लो खा लो सारा कुछ खा लो तुम। हाँ जी, थोड़ी जल्दी जो है ना वो हम छत पे ला रहे हैं, तो देखते हैं आज छत पे कैसे। जो लोग पाकिस्तान से हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो किसी और कंट्री से हमें देख रहे हैं उनको तो दिखाना बनता है ना भाई, इतनी सर्दी है पाकिस्तान में। है देखो जी, इधर धुप्प का नामो निशान नहीं है, सूरज अपने घर छुट्टियाँ मनाने गया है, अपने पेके गया है सो रहा तो पेके गया है सूरज, इसलिए तुम्हें कितने नज़र नहीं आएगा सूरज। और
यहाँ पे मैं ना कुछ निकालने आई हूँ। कमरे का हाल देखें आप, ये ना जल्दी कुछ अच्छा। मुझे याद आया सच, मेरी ना एक बहन ने मुझसे पूछा था कि शादी कब है, मेरी नंदी की ना शादी हो रही है तो वो कब है। इंशाल्लाह इस मंथ हमने उसकी डेट फिक्स करनी है, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह आपसे जो है ना उसकी शादी की वीडियोज आने लग जाएंगी। तो यहाँ पे ना फिर ये दोनों पेटियाँ जो है ना ये खाली हो जाएंगी, क्योंकि इसमें उनका उसका सामान पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे ये सारा ना उसी का सामान है, जो भी आपको ये नज़र आ रहा है ना, जैसे उसकी शादी के सामान की आ जाएंगी चीज़ें, फिर ये उधर फिक्स शिफ्ट हो जाएंगी, सारी 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 चीज़ें उधर शिफ्ट हो जाएंगी। और फिर हम जो है ना इसमें ये अपना जो भी सामान है ना हमारा, वो सारा इनके अंदर चला जाएगा। और फिर यहाँ से ये रूम जो है ना ये भी खाली हो जाएगा। तो अभी जो है मैं इधर से निकालने आई थी कुछ, क्योंकि मैंने डालना है कुछ, क्या कुछ वो आपको बाद में बताती हूँ। तो जी मैंने निकाला ये छोटा सा डोल, इसमें मैंने डालना है जाके घी, क्योंकि अभी जो है ना वो हम लोग ऑयल यूज़ करेंगे हंडिया वगैरह के लिए, तो घी जो है वो सिर्फ पराठों के लिए यूज़ करना है। तो मैंने कहा वो थोड़ा सा है वो बंदा फिर इसमें भी डाल लेते, क्योंकि वो सख्त होता है ना, तो सर्दियों में तो सख्त चीज़ जो है वो बंदा आधा इसमें डाल रहे, आधा जो है वो वापस जो है वो शॉपर में ही रख देंगे, फ्रिज में भी वो सेव हो सकता है, क्योंकि उसने कौन सा गिरना है। तो ऑयल तो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो गिर जाता है, इसलिए उसके लिए मैंने ना छोटा सा डोल निकाला है। इसमें जाके घी डालती हूँ, और वो जो बाल्टी है बड़ी है उसमें जो है वो हम ऑयल डालेंगे। इसलिए मैं छत पे गई थी, ये थी पीछे राज जो था ना हमारा, ये था। अभी गैस देखें अभी कितनी धड़ाधड़ आ रही है, पहले हाथ सेक लो। ओ कल का बेचारा ये घी ऑयल ना लावारस पड़ा हुआ है, तो आज इसको इसके ना असली जगह पे पहुँचाते हैं। तो जी मैंने तो रख दिए हंडिया ऊपर अब, और इसमें मैंने किया है लहसुन अदरक टमाटर मिर्चें चॉप, और मैं साथ में इसमें डाल के इसको लगाऊंगी प्रेशर। प्रेशर के छींटे नज़र आ रहे हैं, आवाज़ आ रही है ना, ये मैंने गीला गीला चम्मच इसके अंदर डाल दिया, इसलिए छींटे पड़ रहे हैं। मैं यहाँ से बाकी सारा कचरा समेट लूँ। तो जी खाना खाना बच्चों ने खा लिया और अम्मी ने भी खा लिया, मैं रहती हूँ, पर मैं नमाज़ पढ़ूँगी अभी, फिर खाना खाऊँगी। ये दाल जो है ना नीचे लग गई है, देखो जी चने की दाल से नीचे लग गई है ना, मेरे मज़ा आंदा नीचे लगन का। तो गैस मुझे लगता है बंद हो गई, हाँ देखा बंद हो गई, दो के ऊपर सुई आई नहीं और गैस बंद हुई नहीं। मैंने दाल इसमें निकाल ली है, मैं खाना खाऊँगी, मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, मैं बाद में बर्तन दूँगी, पहले यहाँ से भूख मुझे वैसे लगी हुई है, लेकिन पहले नमाज़ पढ़ लूँ। मुझे सर्दी इतनी ज़्यादा है कि हमने हीटर चला लिया, बस अब डर ये है कि हिबा ना इसके पास जाए। खुदा इसको आप क्यों पास लेके बैठी हुई हो, है ये क्या कर रही हो आप इसको, किसका? ये हाथ में जो आपने पकड़ी हुई है ये डॉक्टर ने देख लेनी आपकी वीडियो, और फिर उसने कहना लगता है खुदा चॉकलेट खाती है। डॉक्टर को नहीं, क्यों डॉक्टर नहीं वीडियो देख सकती? मेरी ऐनक पकड़ के कितना खुश हो रही है। तो जी अभी जो है ना मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। हम लोग जो है ना वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं अपना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अच्छी बात जो है वो शेयर की जाए, क्योंकि किसी का फ़ायदा हो जाए तो उससे हमें जो है ना वो सवाब होता है। तो ख़ास तौर पे जब हम ये सोचें बगैर किसी का फ़ायदा करें कि हमें इससे बेशक कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगले बंदे को तो फ़ायदा होगा ना, तो इससे हमें जो है वो अल्लाह ताला हमारे लिए मज़ीद रस्ते आसान कर देते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी नीयत ही जो होती है ना वो आपको कामयाब करती है। वरना हाँ काम तो अच्छे बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ नीयत उसके पीछे अल्लाह ताला देखते हैं। तो आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई वीडियो को लाइक तो कर दो, वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। आप लोग वीडियो देख रहे हो तो कम से कम इतना सा तो काम कर सकते हैं ना, वही बात जो अभी भी मैंने की है, नेक काम करो, किसी का बिना ये सोचे कि आपके इतने से काम करने से अगले बंदे का कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप ये तो अच्छी बात है ना कि आपकी वजह से अगर कोई किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह से मैं आपसे एक चीज़ शेयर करने लगी हूँ, वो ये है कि आप लोग जो हैं वो टिकटॉक पे बहुत बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो ट्रेंड है, टिकटॉक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो टिकटॉक को बजाय के अपने जो हाथों से स्क्रॉल करने के, अपना टाइम वेस्ट करने के, अगर आप लोग उसी टाइम में अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें
उनसे टाइम में बैठ के कुछ कमा लें, तो क्या ये बेस्ट नहीं है कि हम अपने टाइम को बजाए कि हम फारिग टाइम को स्क्रॉल करने में और इधर उधर आँखें देख ये देखने में वो देखने में टाइम वेस्ट करें, तो हम लोग उसी में हम कुछ कमाएं, हम कुछ अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो उसके लिए आपको मैं एक लिंक जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोगों ने वो भाई की वीडियो देखनी है और उसे अपना जो है वो टिकटॉक अकाउंट दोबारा बनाना है और उससे जो है वो आपने अर्निंग टिकटॉक से अर्निंग स्टार्ट करनी है। उस पर पूरा जो है वो टिकटॉक बनाना अकाउंट बनाने का पूरा जो है वो तरीकाकार बताया गया है। तो आप वो टिकटॉक की अकाउंट अपना क्रिएट करें और फिर जो है वो अपनी जो है ना वो टिकटॉक यूज़ करें और ऊपर वीडियोज़ यूज डालें। और वीडियोज़ आपने कौन सी डालनी है मैं ये आपको बता दूँ, आपने रियल कॉन्टेंट आपने अपना रियल कंटेंट वहाँ पे यूज़ करना है। आपने फेक जो है या किसी की उधर से उठा के वीडियो उधर डाल दी, उधर से उठा के वीडियो उधर डाल दी, वो काम नहीं करना। आप लोग वीडियो पोस्ट भी करें और बाद में आपको फ़ायदा ना हो तो इससे बेहतर है कि आप लोग वो काम करें जो आप लोग कई लोग जो हैं वो वीडियोज़ जो है वो टिकटॉक पे पोस्ट करते हैं लेकिन उनको अर्निंग नहीं होती। तो अगर आप लोग इस तरह से यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अर्निंग भी होगी और आपको फ़ायदा भी होगा। तो मेरी बात को याद रखिएगा, लिंक जो है वो मैं नीचे अकाउंट कैसे बनाना है वो नीचे जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से वीडियो वॉच करें और अपना जो है वो USA का अकाउंट बनाएं और अच्छी खासी टिकटॉक पर अर्निंग करें। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी एंड। आई होप आप लोगों को हमारी मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अगले व्लॉग में मिलेंगे, अगले व्लॉग में मिलेंगे। हाँ जी, अगले व्लॉग में मिलेंगे। हुदा बैठी ना अपनी हीटर के आगे खुद को गर्म कर रही है, दिखाओ हाथ गर्म हुए हैं, थोड़े से हुए हैं, थोड़े से हाथ गर्म हो गए हैं हुदा के। हुदा किसके ठंडे हैं, मेरे या आपके? हम दोनों के ठंडे हैं, गर्म है। चलो हाथिया, अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़।